और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो टेम्परेचर बताता है। तो इस टाइम आप देख सकते हो करीब 80 से थोड़ा ऊपर सुई है, इतना टेम्परेचर है यहाँ पे। तो जब हम पानी ऐसे फेंकते हैं तो इस तरीके से भाप उठती है, और जितना ज़्यादा पानी फेंकते जाएंगे उतनी ज़्यादा भाप उठेगी, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल भारत का प्रतीक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सौना के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सौना के अंदर लेके चलूंगा और दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, और ये भी बताऊंगा कि सौना का फिनलैंड की संस्कृति में क्या महत्व है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, और सौना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सौना जो है वो लकड़ी से बना हुआ एक कमरा होता है जो अक्सर स्नान घर के पास में होता है। इसके अंदर एक भट्टी लगी होती है जिसको या तो लकड़ी के द्वारा गर्म किया जाता है या बिजली के द्वारा, और इसके ऊपर भट्टी के ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं, और उन पत्थरों पे पानी डालने से भाप सी उठती है, और जो भाप होती है वो कमरे को गर्म करती है। तो ये तरीका है सौना का, जिस तरीके से ये काम करता है, और लोग इसमें बैठते हैं। और इसका जो तापमान है वो अमूमन 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 140 तक हो सकता है। और अगर मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताऊं सौना के बारे में, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सौना है वो फिनलैंड में ही है, करीब 33 लाख। 33 लाख हो सकता है बहुत बड़ा संख्या ना हो हमारे लिए, लेकिन 55 लाख की आबादी में 33 लाख सौना होना ये बड़ी बात है। यहाँ पे सौना इतनी आम सी चीज़ है कि सार्वजनिक जगहों पे, जैसे कि कार्यालयों में, अखाड़ों में, और इस यहाँ तक कि स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में भी आपको सौना बहुत आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे सालाना सौना की प्रतियोगिता भी होती है जिसमें दुनिया भर के कई प्रतियोगी आते हैं भाग लेने इसमें, और इसमें विजेता जो है वो ऐसे तय किया जाता है कि जो जितनी देर तक सौना में रह सकता है। और सौना का दोस्तों ये लोग तापमान बढ़ाते चले जाते हैं, तो अंत में जो व्यक्ति बाहर आता है वो विजेता माना जाता है सौना में। और अगर हम बात करें सौना में बैठने के लाभों की, तो इससे कई सारे लाभ हैं। यहाँ पे एक कहावत है कि सौना जो है वो गरीबों का दवा खाना है, यानी कि सौना में बैठने से आप अगर दिन में एक बार या हफ्ते में 2 से 3 बार बैठते हैं, तो सौना में बैठने से आपको कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपकी ठीक हो सकती हैं। मैं उनमें से कुछ आपको बताऊंगा जो कि विज्ञान ने जिनको प्रमाण दिया है। जैसे कि अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो इसमें बैठने से आपका घुटनों का दर्द या मांसपेशियों का जो दर्द है उससे आपको निवारण मिलता है। ऐसे ही अगर त्वचा संबंधित रोग है तो इसमें अक्सर बैठने से वो रोग ठीक हो जाते हैं। दमा है अगर किसी को, दमा के मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा मानी जाती है यहाँ पे। ऐसे ही जो हृदय रोग के मरीज हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है। जिन लोगों को टेंशन बहुत होती है, काम का बोझ है, आप काम से थके हुए घर आए हैं, तो ऐसे लोग जिनके घर में सौना होता है ये इन चीज़ों में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, सौना जो है यहाँ पे वो कई प्रकार से उपलब्ध है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको अखाड़ों में, सार्वजनिक जगहों पे मिल सकता है, वैसे यहाँ पे तालाब बहुत सारे हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो उसके बारे में भी बनाऊँ। तो अक्सर तालाबों के पास में, नदी के पास में, या फिर समुद्र के पास में भी बहुत सारे सार्वजनिक जगहों पर जो है सौना बने होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सौना है वो घरों के अंदर बने होते हैं। यानी कि अगर आपका घर है तो आप मान लीजिए कि आपके पास में अपना सौना होगा ही होगा। ये यहाँ पे बहुत ही आम सी बात है। मैं जहाँ रहता हूँ ये एक अपार्टमेंट है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है कि ये जो सौना हमारे यहाँ बना हुआ है वो सबसे निचले स्तर में बना हुआ है, और वो सभी के लिए सार्वजनिक है, मतलब सभी लोग वहाँ जा सकते हैं। बस मुझे कंपनी को जो इस पूरे अपार्टमेंट की देखभाल करती है, मुझे बस उनको फ़ोन करके बताना होता है कि भाई आज के दिन इतने बजे मैं सौना के अंदर जाऊँगा, तो वो उस चीज़ को खोल के रखते हैं। मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि मैं इस विषय के ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाऊं, और कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में मैं आपको जो सार्वजनिक जगहें हैं, जो और भी बड़ी बड़े जो सौना बने होते हैं सार्वजनिक जगहों पे, हम वहां भी चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे जो है इसका आनंद उठाते हैं इसके बारे में। अभी के लिए चलते हैं जो सौना हमारे पास उपलब्ध है, और मैं उसका आपको पूरा अंदर से कैसा होता है सौना और कैसे काम करता है सौना इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरीके का एक हॉल है अपना। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसके बेसमेंट में ये बना हुआ है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि किसका नंबर है सौना में, इसको बोलते हैं सौना लिस्ता।
इसका मतलब लिस्ट किसका नंबर है आज, और फिर इस तरीके का गेट है, आपको इसके अंदर जाना है पहले तो। फिर यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है और हम इस रूम में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हो, मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि सोना कैसे यूज़ किया जाता है, जो यहाँ की लोकल भाषा में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। इसके बाद आप यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, आप स्विमिंग सूट पहन सकते हैं। उसके बाद आप हम इस रूम में आते हैं, ये रूम शावर रूम है, तो यहाँ पे आप शावर लेते हो। मैंने उस रूम को बंद कर दिया है और यहाँ पे शावर के लिए बकायदा शावर लगा हुआ है और बेंचेस हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक पानी की टोटी लगी हुई है, आप पानी भर सकते हैं यहाँ से। पानी क्यों भरना है ये आपको आगे दिखाते हैं। तो ये रूम है दोस्तों मेन, जिसके अंदर सोना है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लगभग करीब 80 डिग्री के आसपास होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही जल्दी इस वीडियो को बनाऊँ, क्योंकि कैमरा ख़राब होने के कारण। तो मैं पहले रूम खोल देता हूँ, वैसे आपको रूम ज़्यादा देर खोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो तो कुछ ऐसा होता है सोना। ये भट्टी है, इसमें नीचे आग लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें चूंकि आग लगी हुई है और इसके ऊपर ये पत्थर रखे हुए हैं, तो ये पत्थर बहुत गर्म होते हैं दोस्तों। और ये पत्थर गर्म होने के कारण आप देख सकते हो शायद थोड़ा बहुत अगर आपको रेडनेस दिखाई दे रही हो, तो इसके ऊपर पानी फेंका जाता है। और फिर इस रूम में जो है लोग बैठते हैं ऊपर बेंच में, नीचे ही बैठ सकते हैं, जितना ऊपर आप बैठेंगे उतनी ज़्यादा भाप ऊपर चूँकि आएगी तो उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। यहाँ पे साइड में एक रेगुलेटर है जो हीट को कंट्रोल करता है, ये पहले से ही सिलेक्टेड होता है, हम इसको टच नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो टेम्परेचर बताता है, तो इस टाइम आप देख सकते हो करीब 80 से थोड़ा ऊपर सुई है, इतना टेम्परेचर है यहाँ पे। और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे वाकई में अभी से ही पसीना आने लगा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वाकई में काफ़ी गर्म है। तो दोस्तों मैं अंदर आके बैठ गया हूँ और मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना भूल गया था कि पहले अपने आप को शावर लेना जरूरी है, क्योंकि आप सूखे के साथ अंदर नहीं आ सकते, वरना आपको स्किन रैश और कई अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो बाल्टी रखी हुई है और जो ये चमचा रखा हुआ है, इसका कारण ये है कि आप इसमें पानी भरते हो और इसके थ्रू पानी को जो है हम इसके ऊपर फेंकते हैं, तो मैं आपको फेंक के दिखाऊंगा। तो जब हम पानी ऐसे फेंकते हैं तो इस तरीके से भाप उठती है, और जितना ज़्यादा पानी फेंकते जाएंगे उतनी ज़्यादा भाप उठेगी, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी बात है, और कमरा उतना ही ज़्यादा गर्म होता जाएगा। लोग यहाँ पे दोस्तों के साथ में जो है सामाजिक रूप से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत ही कॉमन प्रथा है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया। और ड्रिंक्स, जैसे कि लोग ड्रिंक करते हैं, मेरे साथ में भी एक ड्रिंक है अपना, और लोग घंटों बिता सकते हैं इसके अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल भारत का प्रतीक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा और क्या देखना चाहेंगे फिनलैंड के बारे में, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।